रही हूँ। इस देश से महंगाई हटानी है। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। दो 2014 में जब से बीजेपी के नेतृत्व वाली पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, तब से कांग्रेस की नैया डूबती ही जा रही है, जिसे संभालने के लिए एक के बाद एक कई चिंतन शिविर हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो के जीरो है। परंतु इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि राजस्थान के उदयपुर में जो कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हो रहा है, इससे कुछ नया निकल कर आएगा और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बुलंदी मिलेगी। ऐसा इस चिंतन शिविर में क्या होने वाला है जिससे कांग्रेस को इतनी बड़ी उम्मीदें हैं? जी हां, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस चिंतन शिविर से पहले एक प्रेस ब्रीफिंग जारी कर कहा है कि कांग्रेस अब 2 नई बिंदुओं पर काम करने वाली है। एक तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। दूसरा, जो लोग कांग्रेस के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं उसके लिए पनिशमेंट कमेटी बनाई जाएगी। जी हां, दोनों कमेटी का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह कमेटी काम कैसे करेगी उस पर हर किसी की नजरें होगी, क्योंकि कांग्रेस पुराने ढर्रे की पार्टी बन गई है और बस जो चल रहा है उसी को ठीक मानकर चलते जा रही है। जिस प्रकार से पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि नाव में बैठ जाओ, लहर जिस ओर ले जाए उसी ओर बहते चले जाओ, लहर से टकराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर कांग्रेस को बाहर निकलना है, कांग्रेस को उबरना है, तो लहर के विपरीत भी चलने की हिम्मत रखनी होगी, तभी कांग्रेस को आगे कामयाबी मिल सकती है, जो दूर दूर तक शायद दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर अडिग है और उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रही। कांग्रेस के नेता अब भी जो मुद्दे उठाते हैं वे मुद्दे हमेशा अमीरों के लिए होता है, जबकि गरीबों का मुद्दा कांग्रेस भूल जाती है, जिस कारण गरीब लगातार बीजेपी से जुड़ती चली जा रही है, पीएम मोदी से जुड़ती चली जा रही है। और स्वाभाविक है, देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, अमीरों की कम। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहने का क्या तथ्य है। जरा सोचिए, जब कांग्रेस ने नोटबंदी का विरोध किया था, नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ? अमीरों को, जिनके पैसे बैंक में थे। गरीब तो बेचारे गरीब पहले भी थे, अब भी थे। उनको गांव में पहले भी खेती से अनाज मिलता था और अब भी मिल रहा है। नोटबंदी की, आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आपके जेब में तो पैसा निकाला, नरेंद्र मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। मुझे फांसी लगा दो कहते हैं, अगर काला धन वापस नहीं आया मुझे फांसी लगा दो। वो नीरव मोदी भाग्या 35,000 करोड़ रुपए लेके। दूसरा, उन्होंने विरोध किया जीएसटी का। जीएसटी से किसको नुकसान हुआ, किसको परेशानी हुआ? अमीरों को, बिजनेसमैनों को। लेकिन कांग्रेस आज भी जीएसटी को जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बार बार कह के मोदी सरकार की आलोचना करती रही है, परंतु इससे कांग्रेस को ही नुकसान होता दिखता है। गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स बना दिए। छोटे व्यापारी को अभी तक नहीं समझ आई क्या है ये। एक तरफ से इनकम टैक्स वाले लोग आते हैं, दूसरी तरफ से पुलिस वाले आते हैं, बर्बाद कर दिया सबको। 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया गब्बर सिंह आएगा, चलो। आगे कांग्रेस ने बुराई की वैक्सीनेशन की, कांग्रेस ने बुराई की लॉकडाउन की। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन और लॉकडाउन में जो आम लोगों को परेशानी हुई, जो गरीबों को परेशानी हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिम्मेदार भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लिए बड़े कदम उठाए, जैसे गरीबों को फ्री अनाज देने का काम किया, आर्थिक सहायता के तौर पर 1000 रुपये 2000 रुपये मदद देने का काम किया, जो आम लोगों को दिखता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने उसके पक्ष में उसके लिए कुछ ना कुछ किया है। और वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस की जो सबसे अटल नीति है कि हिंदुत्व का विरोध करना। अगर आप देश में, भारत में लोकतंत्र की बात करें, चुनाव के जरिए जीतने की बात करें और हिंदुत्व का विरोध करें तो आप देश में कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इस बात को लक्ष्मण रेखा की तरह आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर देश हिंदुत्व और इस्लाम पर चुनाव लड़ेगा तो स्वाभाविक है हिंदुओं का वोट बैंक ज़्यादा होगा और इस्लाम मुसलमानों का वोट बैंक कम। ऐसे में जो भी पार्टी हिंदुत्व का बुराई करेगा उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी। मैं हिंदू हूं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जिस दिन से वो हिंदुत्व की बुराई करना बंद कर देगा उसी दिन से कांग्रेस की नैया ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके खून में शुरू से ही इस बात को लेकर पता नहीं किसने भर दिया है कि हिंदुत्व की बुराई करके वो सत्ता में बनी रह सकती है। लेकिन क्या राजस्थान के उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में इस बात की भी चर्चा होगी कि कांग्रेस अपने इस मुख्य एजेंडे को बदलकर हिंदुत्व का प्रशंसा करे और इस्लाम के बारे में दबे जुबान में काम करे, क्योंकि ये देश का गुस्सा मुगल कालीन शासकों के प्रति पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।